किरण चौधरी ने आरोप लगाया है कि पिछले 35 सालों में बेरोजगारी सबसे अधिक वर्तमान भाजपा कार्यकाल में बढ़ी है। वहीं प्रधानमंत्री द्वारा करोड़ों वाहन खरीदे जाने के ड्राइवर व स्वीपर को रोजगार मिलने के बयान पर उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में वाहन भले ही खरीदे गए हैं परंतु रोजगार नहीं बढ़ा, क्योंकि NGT ट्रिब्यूनल ने 10 साल पुरानी गाड़ियों को प्रयोग से बाहर कर दिया, जिसके चलते मजबूरन विभिन्न ट्रक व ऑटो यूनियन से जुड़े ड्राइवर व कंडक्टरों को नए वाहन लेने पड़े। 150 करोड़ जॉब्स ट्रक और ऑटोज के अंदर नए बच्चों को मिले, ये एक और बड़ा जुमला और झूठ। आप जानते हैं NCR के अंदर 10 साल की जो पुरानी जो गाड़ियां हैं, जो ट्रक्स हैं, जो ऑटोज हैं, उनको पूरा फेज आउट कर दिया गया है। ये तो NGT ट्राइब्यूनल के तहत ही ऑर्डर आया था, तो ये जो फेज आउट करा गया है वही फेज आउट करके नई उनकी जगह जो आए हैं, तो उनका जो ट्रक यूनियन के और जो ऑटो यूनियन का जो जो प्रधान है उन्होंने ही एक स्टेटमेंट दी है कि ये जो है उन्हीं को फेज आउट करके नए लिए गए। तो मतलब कोई नए तो नए जॉब्स आए नहीं। देखो किस तरह से आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश करा जाता है, मतलब लोगों को गुमराह करना है, लोगों को बेवकूफ बनाना, और इसके अलावा कोई बात ही नहीं। उन्होंने भाजपा पर जातिवाद फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नेताओं को भी जातिवाद फैलाने का पाठ पढ़ाया जाता है, जिसका प्रचार भाजपा नेता जनता में करते हैं तथा समाज टूटता है। बड़े बड़े जुमले और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनाव के टाइम साबित हो गया है कि जुमलों के अलावा 5 साल में इन्होंने कुछ नहीं दिया, झूठ और लूट के अलावा इन्होंने कुछ नहीं दिया। और सच्चाई ये है कि और दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश को इन्होंने जातिवाद की आग के अंदर झुलसा दिया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए किरण चौधरी ने आरोप लगाया कि भिवानी नगर परिषद द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स के लिए सर्वे कराकर प्रॉपर्टी को ऑनलाइन करने का ठेका 90 रुपए प्रति यूनिट दिया गया, जबकि बाकी हरियाणा में 400 रुपए प्रति यूनिट ठेका दिया गया। ऐसे में जो कार्य 90 प्रति यूनिट हो सकता था उसके लिए 310 रुपए प्रति यूनिट अधिक देना करोड़ों रुपए के घोटाले को दर्शाता है। हमारा जो नगर परिषद है उसके अंदर ये जो ये था सर्वे की कहते करा गया था कि जो जो टैक्स पर्पसेस के लिए और असेसमेंट के लिए और इसके लिए उसका जो है उसमें जो है नगर परिषद ने कहा कि उसमें बहुत बड़ा घोटाला हो, वो आज तक जो है वो घोटाला जो है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कि ये जैसे म्यूनिसिपल एरिया के अंदर ये ऑनलाइन जो है करा गया है टैक्स के लिए असेसमेंट के लिए इसके लिए, तो उसका जो है 90 रुपए पर यूनिट का जो है भिवानी में करवाया गया, वही भिवानी के अंदर तो 90 रुपए पर यूनिट पे ऑनलाइन के ऊपर ये सारा का सारा ठेका दिया गया, पूरे हरियाणा के अंदर 400 रुपए पर यूनिट पे दिया गया। तो कितना है बताओ, कितना जबरदस्त सीधा साधा घोटाला, कितना जबरदस्त घोटाला जो है ये सामने देखो आप। वहीं गुड़गांव के सेक्टर 12 में जमीन अधिग्रहण व प्रदेश के खनन व रेत माइनिंग में भी अनियमितता का आरोप लगाते हुए उन्होंने घोटाला होने की बात कही। इनेलो व भाजपा द्वारा गठबंधन होने की संभावनाओं पर किरण चौधरी ने कहा कि इनेलो हमेशा से ही भाजपा की बी टीम के रूप में कार्य करती रही है, इसी के चलते इनके बीच गठबंधन होने की बातें उठ रही है। घोटाला फिर जो हो रहा है खनक में, भिवानी में देखो किस तरह से लुटाई हो, NGT बोल ली, सारे ग्रीन ट्राइब्यूनल बोल ली, सब बोल ली है, लेकिन खाना के अंदर चंद लोगों को छोड़ के सारा का सारा खुलेआम लुटाई हो रही, खुलेआम धड़ा से धड़ाले से, और सारे रो रहे हैं। मंत्री जी आए थे जो माइनिंग उद्योग मंत्री, उनके सामने जो है रोए, कहते बीजेपी के नेताओं ने अपने रोने रोए थे, नाक के तले सारा कुछ चल रहा है लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई वहां पर भी नहीं करी जाती। माइनिंग जो है पूरे हरियाणा के अंदर, चाहे सैंड माइनिंग हो चाहे ये पत्थर की माइनिंग हो, खुल के खुलेआम सब मतलब इतना जबरदस्त घोटाला हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं। गुड़गांव के अंदर सेक्टर 12 जो है इतना बड़ा घोटाला कि जो CLU हो मतलब जो जमीन अधिग्रहण कर दी गई है, अधिग्रहण के बाद पैसा दे दिया गया है, फिर उस किसान को बुलाकर उसको वापस पैसा दिया जाता है और उसकी जमीन छुड़वा के फिर किसी और को दिलवाई जाती है, वो इनके एक मंत्री से संबंधित है। तो ऐसे ऐसे घोटाले जो हैं नाक के तले खुलेआम हो रहे हैं, तो ये कौन कर रहा है? ये आज कांग्रेस तो नहीं कर रही है, तो बीजेपी कर रही है। भिवानी से अमन शर्मा, आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।